subscribe and press the bell icon. Search Science Class. स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। हमने मोशन में बात कर ली है, बहुत सारी बातें की है मोशन के अंदर, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा है मोशन के अंदर। अगर आपने मोशन की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मोशन के सारे पार्ट्स, आप देख लीजिएगा, उसमें चार पांच पार्ट्स उसके अंदर, जिसको देखने के बाद आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आई होप, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये चैप्टर जबरदस्ती समझ में आएगा आपको, ठीक है। जबरदस्ती कहने का मतलब ये है कि आप मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, राइट। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ये समझ लोगे तो मैं इस बात की गारंटी लिख के दे दूंगा कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, गारंटी है लिख के, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर साइंस क्लास में आपका वेलकम है। तो हम बात करते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फोर्स के साइड, फोर्स की पूरी कहानी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब यहां पर देंगे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकन प्रेस कर लो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर वीडियो के स्टार्टिंग में, हर वीडियो आते ही, ठीक है। 9th 10th क्लास के सारे सिलेबस हम लोग पूरा कवर करते हैं। अगर आपको आपके कोई जानने वाले हो, आपके कोई स्टूडेंट्स हो, या आपके कोई दोस्त हो, भाई हो, जो भी हो, आप उनसे भी शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी फायदा उठा सकें अच्छे से लॉकडाउन में पढ़ाई का, ठीक है। तो चलो हम आपके टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है फोर्स क्या होता है, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। फोर्स इज द पुलिंग और पुशिंग, पुल करना या पुश करना, इसको हम फोर्स बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अगर किसी चीज को हम पुल करते हैं, किसी चीज को पुश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स, क्लियर चीज, ओके। लेकिन फोर्स एक तरह का समझ लो क्या है कि समझ लो फोर्स एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी चीज के शेप में, साइज में, उसके जनरली मतलब आकार में, वॉल्यूम में, उसके यानी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, क्लियर चीज। शेप और साइज में अगर चेंज ला दिया हमने किसी चीज को, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या लगा है, फोर्स लगा है। तो फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सब हम बताएंगे। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, राइट, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, दैट इज व्हाई। लेकिन इसकी एसआई यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन इसको इसकी यूनिट को मैं आपको डिफाइन करूंगा अच्छे से कि क्या है, ठीक है। उसके बाद फोर्स एक स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर चीज। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसका इसकी जानकारी मैं मोशन वाले चैप्टर में दे चुका हूं आपको बहुत ही अच्छे से कि वेक्टर क्यों होता है, कोई स्केलर क्यों होता है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है फोर्स, बिकॉज एक बात बताओ आप, अगर हम मान लो कोई जनरली किसी दरवाजे पे, किसी शीशे का ग्लास का कांच का गेट होता है, उस पर लिखा होता है पुल, या लिखा होता है पुश, मोबाइल को शॉप में, किसी शॉप में जाते हैं तो उस पर अगर पुल लिखा हुआ है तो हम उसको खींचना, पुश लिखा हो धक्का देना। मान लो वन साइडेड गेट है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ पुल, मतलब है खींच के खोलना है गेट को, आप खींच ले रहे हो, धक्का दिया जा रहा है, गेट खुल ही नहीं रहा, वन साइडेड है वो तो पुल करने भी खुलेगा। आप पुश किए जा रहे हो, आपने 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, गेट टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, क्योंकि वो खुलेगा पुल करने से। आप 5 न्यूटन का भी फोर्स लगा के खुलोगे तो वो खुल जाएगा आराम से। इट मींस कि फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं फोर्स को, हम कह सकते हैं कि फोर्स को यूनिट, भाई फोर्स की, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब उसको डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी उसको देना पड़ रहा है, अगर डायरेक्शन भी देना पड़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन दोनों के दोनों, राइट। उसके बाद हम ये भी बताएंगे आपको कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले से फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो बना हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन इज दैट वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी से बने क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर ही क्वांटिटीज बोलेंगे। तो जनरली एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया ये वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, दैट इज व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एंड दूसरे नेम है कि इफ द एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी देन द फोर्स आल्सो विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई वी से दैट द फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फोर्स, ओके। चलो अब हम बात करते हैं जनरली फोर्स को, जनरली फोर्स की असाइनमेंट होगी, फोर्स का फॉर्मूला जनरली हम आपको लिख के दिखा दिया। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के फोर्स होते हैं भाई, क्या बताऊं, कितना गिनाऊं फोर्स के टाइप्स,
लेकिन मैं गिनाऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ उतनी बताऊंगा जितना आपको इस क्लास में पढ़ना है, जितना आपको इस क्लास में जरूरत है। आप पढ़ते चले जाओगे, फोर्स का जनरली टाइप पढ़ते चला जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, फोर्स का पहला टाइप है बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है मैं भी बताऊंगा, अनबैलेंस भी बताऊंगा। तीसरा पढ़ लेते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट। ये सब टेंशनल फोर्स होता है, ये सब क्या है? दीज आर द फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस। क्लियर है? मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है दो फोर्स। फ्रिक्शन भी पढ़ना है, पहले भी पढ़ना है बैलेंस फोर्स, दूसरा पढ़ना है अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। मैं आपको फोर्स का, फोर्स के टाइप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा एक क्लास में, फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें बॉडी को कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है फोर्स लगाने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट वो होते हैं जिसमें बॉडी को बिना कॉन्टैक्ट में फोर्स लगा सकते हैं। जादू थोड़ी ना है। चलो देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज को धक्का देना, गेट को धक्का देना, तो आपको गेट के टच माना पड़ेगा। बाल्टी को उठाना, यानी कि किसी चीज को लिफ्ट करना, उठाना आपको, किसी पत्थर को लिफ्ट करना, उठाना आपको स्टोन को, तो जनरली उसके कॉन्टैक्ट माना आना पड़ेगा। कोई जादू तो नहीं कि आपको वहां से हाथ धोकर आ जाएगा, नीचे है, ऐसा नहीं है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोस फोर्सेस इन विच वी हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स। हमें कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स के, लाइक लिफ्टिंग है ना, हिटिंग, फुटबॉल को हिट करते हैं लोग, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो द, फ्रिक्शन फोर्स का पेपर में आया था क्वेश्चन कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो चीजों के कॉन्टैक्ट में आने के बाद लगता है। बताऊंगा क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो जनरली कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसको बिना कॉन्टैक्ट में आप लगा सकते हो। जादू नहीं है। चलो हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में क्या होगा, कंघा है, कुछ भी प्लास्टिक की चीज को से रब करो और पेपर सटाओ, पेपर में पेपर क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा। बिना कॉन्टैक्ट में पेपर चिपक जाता हूँ फॉर फटाक से। मतलब क्या है कि यहाँ पर बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स लग गया, खिंच गया वो पेपर इसके पास, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पता है ये कैसा फोर्स लगा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो गए। क्या एक्टिव हो गए? इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो गए। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में 10th में पढ़ेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो गए, इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज है और चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी को या किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो चार्ज क्रिएट हो गया अगर रब करने से, तो जनरली ये क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच लेगा, यानी कि इसमें फोर्स लगेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे भाई मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो एक मैग्नेट है, मैग्नेट को आप रखते हो, दूसरा मैग्नेट लो, उसका नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल। जो हमारे हाथ में है वो नॉर्थ पोल और जो इस तरफ रखा हो साउथ पोल। आपने क्या किया, इसको टच करो और एक नॉर्थ साउथ आपस में खींचा जाएगा। ये जो चुंबक है, ये जो जनरली मैग्नेट है, वो दूर से ही क्या होगा, फटाक से इसमें जाके चमक जाएगा। इट मींस कि अट्रैक्ट कर लिया उसने उसको, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन, बिना कॉन्टैक्ट में आया, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल अर्थ जो फोर्स लगाता है, पेन है, पेन को आप नीचे छोड़ो गिर जाएगा नीचे, यानी कि पेन और जमीन के बीच में कोई टचिंग पॉइंट नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट में थोड़ी आ रहा है, पेन के कॉन्टैक्ट में थोड़ी आ रहा है अर्थ, लेकिन फिर भी अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है, दिस कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपने पढ़ा था बचपन में, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, राइट। अब हम जो बात करेंगे इस क्लास में, वो बात करेंगे हम लोग नॉर्मली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। हम लोग बात नहीं करने वाले इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग इन दोनों के बारे में बात करते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। गुड, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग जनरली फोर्स की डेफिनेशन क्या है। फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स नोट्स भी बनाते चलना आप लोग, नोट्स बनाओगे बाद में पढ़ने में आसानी होगी। फोर्स, ठीक है, पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स, राइट। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, राइट। इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट इज न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं,
भाई कैपिटल एम है, राइट, कैपिटल एम से लिखाते हैं, राइट। उसके बाद इसको इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, वेयर एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पढ़ लिया, एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ फोर्स, ज्योग्राफी ऑफ फोर्स, जो भी आप समझो, ठीक है। अब सुनो, डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फोर्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स की हम लोग बात करेंगे, बट उसमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं, हमें सिर्फ पढ़ने हैं दो टाइप्स। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको क्या होता है। व्हेन द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। टोटल फोर्स या कहीं कहीं लिखा रहता है रिजल्टेंट फोर्स, एक ही बात है, ठीक है, रिजल्टेंट या टोटल बिकम्स जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। कैसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स, देखना है जरा। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या किया कि इधर से एक फोर्स जो है वो इधर से लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का। आप मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना लगा, भाई टोटल फोर्स देखते हैं कितना लगा। टोटल फोर्स जो लगा है वो लगा है 5 इधर लगा है, तो एक को पॉजिटिव ले लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, यानी कि टोटल न्यूटन कितना है, टोटल फोर्स कितना है 0 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर फोर्स ना तो बॉडी इधर हो जाएगी ना तो बॉडी इधर हो जाएगी, दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। और याद रखना बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो सकती। देखो ना, मूवमेंट होगी क्या बॉडी इधर जाएगी, इधर आएगी, नहीं जाएगी, वहीं रहेगी बॉडी, मूवमेंट होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम दोबारा अनबैलेंस्ड फोर्स का। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, यहां पर खाली लगाना है हमें अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन टोटल या फिर रिजल्टेंट, भाई लिख देता हूं, पता तुम लोगों का, टोटल या फिर रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स is not equal to zero, then it is called unbalanced force। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, unbalanced force, समझ लो, बोल बोल के लिख रहा हूं, समझ में आएगा, ठीक है, called unbalanced force, ठीक है। तो ये जनरली हमारा unbalanced force है। तो उसके बाद हम इसको देखते हैं जरा कैसा फोर्स होता है। ये फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। अब आप मेरे को बताओ टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स एक तरफ से लग रहा है +10 न्यूटन, एक तरफ से लग रहा है, एक तरफ का प्लस ले रहा है तो दूसरी तरफ का माइनस लेना है, रूल होता है, ठीक है, अपोजिट फोर्स है ना ये दोनों, तो ये 5 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5 न्यूटन, मतलब टोटल फोर्स कितना आ गया, टोटल फोर्स आया 5, यानी कि ये बॉडी मूव करेगी, और करेगी तो कितने फोर्स से भागेगी ये बॉडी, 5 न्यूटन से भागेगी। बताओ 5 न्यूटन ये लगा रहा है, 10 न्यूटन ये लगा रहा है, इसके 10 में से ये जो 5 न्यूटन ये तो इसमें से पहले ऑलरेडी कम कर देगा, ये 5 न्यूटन तो कैंसिल इसमें से कर देगा, इसका बचा बेचारे का 5 न्यूटन और, जिस फोर्स से वो आगे को बढ़ेगा, और ये बॉडी पता किधर को जाएगी, राइट जाएगी लेफ्ट जाएगी, ये राइट जाएगी क्योंकि ये 5 न्यूटन से आगे को बढ़ेगी, बॉडी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्लियर है, समझ आ गई बात। दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड राइट, इस चीज को राइट डाउन कर लो कि अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेज मूवमेंट इन द बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही बॉडी में मूवमेंट हो सकती है, क्लियर है, ये था हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। चलो अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या है। अब आपसे मैं ये बोल बताने वाला हूं कि पता है क्या इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया से पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वॉट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चलो बात करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा जाता है, मैं हिंदी में बताऊंगा, समझना है समझने की कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो हमेशा वो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना किया जाए, लगाया ना जाए। क्या मतलब इसका, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर जिंदगी भर ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कि मैं उसको यहां से ऐसे फोर्स ला के हटा ना दूं, राइट। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला, इट स्टेट्स दैट ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, अनलेस अंटिल इट इज कॉम्पेल्ड एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल बाहरी फोर्स काम ना करे, हमेशा कार चलनी है चलती रहेगी, जब तक उस पर पेट्रोल खत्म ना हो जाए, जब तक उस पर ब्रेक ना लगाया जाए, जिंदगी भर चलती रहेगी, जब तक वो कहीं जाके ठुक ना जाए, टकरा ना जाए मतलब। तो जनरली इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही कहते हैं। न्यूटन ने यही बात की थी और इसी बात को देखा गया हर जगह, क्लियर चीज समझ आ गई बात। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, आप बस में बैठे हो, इनर्शिया देखना क्या होता है मैं बताता हूँ, इनर्शिया बाद में बात करेंगे, पहले देखो सोचो, बस में बैठे हो, बस चल नहीं रही अभी, तो रुकी है बस, अचानक से बस चल पड़ती है, जैसे बस आगे को बढ़ती है हम पीछे घूम झुक जाते हैं, क्यों, हमारी बॉडी रेस्ट में थी, बस ने आगे को चलना शुरू किया, हमारी बॉडी चाह रही है मैं बैठा रहा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं बल्कि किसी भी बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर रेस्ट में है तो उसी स्टेट में रहे, रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसी स्टेट में रहना चाहिए। अभी रेस्ट में थे हम लोग, तुम्हारी बॉडी जितनी रेस्ट में रहो, मैं नहीं जाऊंगा आगे पीछे झुकी, क्यों पीछे चोट लग जाती पीछे लगे, अगर वो बस चल रही है बहुत तेज, बस चल रही है बहुत तेज चल रही है बस, ठीक है, या बहुत तेज नहीं मान लो चल रही है बस, ठीक है। अब आप जनरली आप बिल्कुल इसमें नहीं हो, सोच नहीं हो बस रुकने भी वाली है, क्या है अचानक से बस ने आगे देखा कुछ कोई आगे जानवर वानवर आ गया, कोई गाय बैल आ गई बकरी आ गई, क्या अचानक से ब्रेक लगाया बस वाले ने, जैसे ही ब्रेक लगाया हम क्या होते हैं आगे झुकते, धुम चोट लगा, क्यों आगे झुकते, क्योंकि बस अचानक बस तो चल रही थी, बस के साथ हमारी बॉडी मूव कर रही थी, लेकिन बस ने ब्रेक लगा दिया, बस रुक गई थी, हमारी बॉडी चाहेगी चलते रहना हमेशा, हर बॉडी चाहती है कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, देखो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर वो रुकी है तो रुकी रहना चाहती है हमेशा, ये ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो वो ऐसे ही रहना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ये सब एग्जांपल है बता रहा हूं, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है इनर्शिया का, किसका कॉन्सेप्ट मिलता है इनर्शिया, वी गेट कॉन्सेप्ट ऑफ द इनर्शिया बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी जो मैं बात कर रहा था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट की वैसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर वो रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी और चल रही है तो चलती रहना चाहिए, any object is in rest it will remain in rest, if it is in motion it will remain in motion unless it is compelled any external force। एग्जाम्पल में इसका बता चुका, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमें क्या देता है कॉन्सेप्ट, किसका देता है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। एग्जाम्पल बस वाला याद रखना, ठीक है, कार के ऊपर हम लोग किसी सामान को बांध के चलते हैं, वो इनर्शिया इसी वजह से, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। अगर कार पे किसी को बांध के ना चले, कार को रोकर चले, ब्रेक लगाओगे कार के आगे सारा सामान, ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना इस बात का, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ। उसके बाद इनर्शिया, इनर्शिया क्या है,
इनर्शिया आई से है, इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इफ इट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट इफ इट इज इन मोशन, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। या प्रॉपर्टी की जगह ना एक काम करो, टेंडेंसी यूज कर लो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है कोशिश, ठीक है। ये टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। इसको शॉर्टकट में ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर चीज, अगर वो रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है। जनरली यही क्या कहलाता है, हमारा इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया एक टेंडेंसी है, किसी चीज का नाम नहीं है, इनर्शिया एक एबिलिटी है, टेंडेंसी है। ओके, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ही पढ़ लिया है ना। तो चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले इसके नेक्स्ट लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ में मैं इसको और ज्यादा थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लॉ में मॉडिफाई नहीं करूंगा लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट मॉडिफाई करूंगा, आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। तो ठीक है, आपको आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, आप मेहनत से पढ़ो इसी तरह से, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लो अगर आप नए हो तो, बिकॉज आपको समझ में आ ही गया होगा कि यही चैनल हमारे लिए समझने के लायक है, ठीक है। मेहनत भी कर रहा हूँ मैं, आप देख रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।